मेरा नया ब्लॉग। आज मैं आपको दिखाऊंगी हम जाएंगे मनाली। अभी हम मंडी पहुंच चुके हैं सोलन से, तो यहां से हमें मनाली के लिए भी 4 घंटे लगेंगे अभी मंडी से। ये अंबिका दी है, ये प्रीति है बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर, ये गुरविंदर है और अंदर है जीजू सेटिंग कर रहे हैं, और ये हूँ मैं। पर ऐसे जाओ ही ना ये मैम, और हम रेडी हैं, मजे करेंगे बहुत। अब जाके दिले ले लिया। हेलो, वी आर रेडी टू गो मनाली, यू वांट टू कम एंड यू कैन जॉइन अस। या यू आर मोस्ट वेलकम हियर। तो अब हम डायरेक्ट आपको मिलेंगे मनाली में, या बीच बीच में अगर व्यू लगेगा तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। तो मास्क वगैरह सबने पहन लिए है, पीछे सीट तो नहीं। अब हम बिल्कुल रेडी हैं चलने के लिए। चली गई थी कर दो, बड़े बड़े गांव है इधर। हाँ, बड़े बड़े गांव, बड़े बड़े खेत, सब कुछ दिख रहा है हमें। नीचे रिवर भी है, कौन सी रिवर है? ऐसी है नॉर्मल छोटी खड्ड है ये, इतनी बड़ी खड्ड। आपको मैं दिखाने वाली हूँ स्लेट वाले घर। यहाँ पे स्लेट वाले घर होता है ऐसे, आप देखेंगे आगे। ये हिमाचल में ट्रेडिशनल हाउस इनको बोलते हैं, वैसे पारंपरिक तौर से ऐसे ही घर बनाए जाते थे पहले, अब ये नए बनने लगे जैसे, तो मॉडर्न हो गया सभी लोग। बट ये जो घर है ये बहुत ही मतलब टेम्परेचर के हिसाब से बहुत सही माने जाते हैं। ये देखिए हमारा सबसे खतरनाक रोड, इसमें तो मतलब कि ट्रेन जो पर्सन है वही ड्राइविंग कर सकता है, अदरवाइज इट्स टू डिफिकल्ट टू नॉर्मल पीपल हु ड्राइव इन प्लेन एरियाज। ये है आपका देवदार, तो हमारा यहाँ का हिमाचल का राजकीय वृक्ष है, ठीक है, स्टेट ट्री ऑफ हिमाचल, और ये ऊपर पाइनस के ट्रीज है। दिस इज मिनी पंजाब, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा प्लेन एरिया है इसलिए हम इसको पंजाब बोल रहे हैं। दो चार खेत दिख जाए तो पंजाब हो जाता है हमारे लिए वो। ये थोड़ा सा पंजाब का एरिया है। गुरविंदर का सवाल देखिए, बोलते ये सबने अपना अपना टांगा है इसको कोई और तो नहीं लेके जाएगा, तो मैं इनको जवाब देना चाहती हूँ। हिमाचल में बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट लोग रहते हैं, और ऐसे ये घास को हम लोग क्या करते हैं, मतलब स्टोर करके रखते हैं, ये घास को काट लेते हैं अक्टूबर नवंबर में, फिर उसको ऐसे स्टोर कर लेते हैं। आपने अगर घास काटने वाली मेरी वीडियो नहीं देखी होगी तो प्लीज़ वो भी देख लो कैसे हम लोग घास काटते हैं। वो नीचे आपको अगर थोड़ा दिख रहा होगा एरिया, वो रिवर साइड पे, वैसे तो ये छोटा चैनल ही है, छोटी रिवर बोलते हैं इसको, तो इसके साइड में जो ये वैलीज है ये बड़ी उपजाऊ होती है, खेती के लिए सबसे बेस्ट सॉइल यहाँ पर होती है, जनरली एलुवियल सॉइल यहाँ पर डिपॉजिट होती है। ठंडो है ये, ओके ओके। तो अभी हम हैं पंडोर स्टेशन पे, पंडोर डैम भी आपको दिखाएंगे, चलो हमारे साथ बने रहे। रनिंग कर सकते हैं यहाँ पे। का पानी है, हाँ इसमें बीच में सिल्ट डिपॉजिट हुआ हुआ है। हाँ, हाईएस्ट माउंटेन रेंज में अब है हिमालयस की, हम इसको बोलते हैं ग्रेटर हिमालयस। अभी हम शिवालिक रेंज से आए, फिर शिवालिक से ऊपर हम मिडिल हिमालयस, अब हम हाईएस्ट टॉप मोस्ट हिमालयस की रेंज में हैं, जिसको कि हम बोलते हैं ग्रेटर हिमालयस या हिमाद्री रीजन, क्योंकि हिमाद्री इसलिए बोलते हैं कि ये थ्रू आउट स्नो कवर्ड रीजन है। अभी यहाँ पे भी स्नो गिरने वाली है थोड़े टाइम में अगर बारिश होती है तो, बट कुछ एरियाज अभी भी स्नो कवर्ड है, वो आपको दिखाएंगे आगे। इससे भी ऊपर वाला एरिया है जो कि ब्यास रिवर है नीचे, यहाँ से दिखाई नहीं दे रही है इतने क्लियरली। ये रोहतांग पास से स्टार्ट होती है ब्यास कुंड से, और सारे कुल्लू से होके इधर आती है मंडी। यहाँ पे पत्थर गिरने का भी, लैंडस्लाइडिंग का भी मतलब डर रहता है गाड़ी से, तो इसलिए मतलब जब बारिश हो तो आप अवॉइड करो ट्रैवल करना, जब मौसम साफ हो तो आप इजीली जा सकते हो। तब हनोगी माता मंदिर आगे, हनोगी माता मंदिर है, और
पहाड़ी पे। इस मंदिर को जाने के लिए हमें फॉलो करना होता है नाव को, बोट से हम यहाँ जा सकते हैं। कुल्लू में एंटर होते हैं तो यहाँ से बजोरा से मेन बाउंड्री है, बट देवस्थल के लिए अगर देखा जाए तो ये रिवर है, रिवर का सीन वो जो है नीचे टिम्बर ट्रेल है जहाँ से हम जा सकते हैं बार बार मंदिर के लिए। अच्छा अच्छा, वो नीचे रोप वे लगा है, बहुत नीचे डाउन में दिख रही है, यहाँ से थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं। ये देखिए टिम्बर ट्रेल। अब हम कुल्लू में एंटर कर गए हैं ऑल फ्रेंड्स। वो रिवर रही नीचे, बहुत ही देखने से गहरी लग रही है, बाकी डेप्थ तो हमें भी नहीं पता लेकिन लग रही है बहुत ज़्यादा। ये रोप वे है, ये थोड़ा शॉर्ट वे में बता रही हूँ। रोप वे यहाँ से मतलब दूर सामान भेजने के लिए ये यूज़ में आता है, बट अभी ये वर्किंग नहीं है तो थोड़ा ऐसा लग रहा है। व्यू है टेम्पल के बाहर का, हनोगी माता मंदिर। नहीं नहीं, बाहर से कर लो। अब हमने माता रानी से भी आशीर्वाद ले लिया है और आगे को चलेंगे। यहाँ से कुल्लू में एंटर हो चुके हैं। ये टनल्स बन रही है यहाँ पे, रोड बन जाएगा ये तो। ऊपर वाटरफॉल भी आपको अगर दिख रहा है थोड़ा सा, बरसात में तो बहुत ही सुंदर दिखता होगा ये। ये आ गई हमारी ओट टनल और ये 3 किलोमीटर के आसपास है ये टनल। अभी कभी पकड़ो आप आगे, वाह ये तो लग गए। और ये ना मतलब आप बता रहे हैं कि रोहतांग से बड़ी टनल है? नहीं, पहले रोहतांग से पहले ये हिमाचल की सबसे बड़ी टनल थी, अब रोहतांग पास है। लंबी। अच्छा वो जो एटर टनल वो ही ना? अच्छा वो जो अपनी 9.2 किलोमीटर लाइन के लिए यानी कितना दिन? 8.9 या 9.2? 9.2 है वो तो। 9.2 एटर टनल। हाँ ये अभी हम हैं किसमें? ओट टनल। यस, ये भी तीन। ये तो बढ़िया है, इसमें सीमेंट नहीं क्या? नेचुरली अंदर के आसपास है, पहली बार देखने स्प्रे की है, स्प्रे कर। और इसके बगल में ही है लालजी डैम पल्ली तरफ, इसके साथ में लालजी डैम। देखे नहीं उसको? नहीं वो नहीं दिखता, वो जा परे जाते बंजार जाते हुए दिखता है। तो ये अब एग्जिट भी हो रहा है, मंडी और कुल्लू के बीच में घूम रहे हैं हम अभी तक। और ये रिवर भाई कितनी सुंदर लग रही है यार, ये तो दिखानी पड़ेगी गाइस आप लोगों को। वाह ये सही है भाई, ये ब्यास रिवर भाई। हाँ पर सड़क कैसे बीचों बीच गई हुई सड़क है ना, इतने पत्थर में पत्थर काट काट के सड़क बनी हुई है। अब यहाँ पे है पिक ले लो कुल्लू मनाली हवाई अड्डा भुंतर, स्क्रीनशॉट ले गया था बाद में। कुल्लवी शैली, कौन सी शैली बोलते हैं इसको? पगोड़ा शैली। कुल्लू को देव घाटी कहा जाता है, वैली ऑफ गॉड। ये है रामशिला पुल। अब स्नो भी हमारे पास बहुत है ना, देख ऐसा है ना, ये कर्व सा है ना, कर्व पुल है रामशिला पुल। ठीक है मेरी भी बना लो। बन रही है कि नहीं? Now Manali is just 19 kilometers away from us.
ये दिख रहा है हमें मनाली ऊपर, यहाँ हमने जाना है, थोड़ा टाइम लगेगा जस्ट। मनाली का नाम मनु के नाम पर पड़ा है, अर्थात मनु आले मनाली, जिसका मतलब है मनु का घर। मनु ने सृष्टि की रचना यहीं से आरंभ की। भीम ने हिडिंबा से यहीं पर विवाह किया था। डूंगरी मेला जो हिडिंबा देवी को समर्पित है यहीं मनाया जाता है। मनाली का हिडिंबा देवी टेंपल 1553 ईस्वी में राजा बहादुर सिंह ने बनवाया था। उस मंदिर की यात्रा भी हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। अब हम मनाली पहुंच गए हैं। अब हम जा रहे हैं ऋषि वशिष्ठ टेंपल, जो कि वहां पे हॉट वाटर स्प्रिंग जो है वो काफ़ी फेमस है, और कहते हैं कि उस पानी को अगर फेस पे स्किन पे लगाएं तो उससे बहुत सारी जो फंगल इन्फेक्शन वो सब ख़त्म हो जाते हैं, एज़ द वाटर कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ सल्फर इन इट। अब हम पहुंच गए हैं वशिष्ठ टेंपल। ये बाहर से व्यू दिख रहा है, यहाँ से अभी ऊपर की तरफ को जाना है हमें। नहीं है, मुझे तो डर लगता है थोड़ा। हाँ। नहीं कोई बात नहीं, बस ठीक है, कर लिया। बुलु मुलु तो है, हमने कर दिया था क्या ऐसे उसको, तुमने दे रखे? नहीं हमने दिया। ठीक है। अरे गुगलू गुगलू है छोटा सा खरगोश, बहुत आगे चले गए थे, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। बट इसके साथ फोटो खिंचाने के लिए भी आपको 10 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है? इसलिए कि यहाँ पे इनकी आमदनी होती है, इट्स गुड, क्योंकि और कोई सोर्स नहीं है इनका इनकम। ये अंदर का व्यू है वशिष्ठ टेंपल के, और अब हम इसके बाद जाएंगे दोबारा से मनाली मॉल, और अगले दिन हम जाएंगे हिडिंबा टेंपल। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर, अति उत्तम। हाँ जी, हेलो, बन रही है आपकी वीडियो? अच्छी वाली बन रही है, बहुत ही सुंदर फील है, बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही अच्छा लग रहा है। जाएंगे हम लोग वहाँ से, थैंक्स टू प्रीति मैम जो हमारी वीडियो शूट कर रहे हैं, और ये हाँ जी, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, हाँ जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, अरे ओले ओले ओ, 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 ओले ओले ओ। Yeah.
ये मनाली में लगा है ट्रैफिक जाम, अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर हो गया हमें इसे देखते हुए ट्रैफिक जाम को। यहाँ पे इसी तरह से जाम लगता है स्पेशली इस टाइम पे इवनिंग में। और सो नाउ वी रीच्ड मनाली मॉल। तो आज का हमारा जो विजिटिंग का है वो सिर्फ इतना ही है। नेक्स्ट डे अब हम जाएंगे हिडिंबा टेम्पल, तो उसकी यात्रा भी हम आपको करवाएंगे। तो हमारे साथ बने रहें, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।